अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो में आपको वैसे तो टाइटल देखकर पता चल चुका होगा कि मैं महरीन का जो करेक्टर है उसकी लुक क्रिएट करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारी, नाइस सी लुक लगती है। और उसमें मैं क्या, मतलब उसके लिए क्या यूज़ करूँगी, सबसे पहले अपनी स्किन को प्रेप करेंगे, जैसे मर्जी कर लें, जिस तरह आप करते हैं। यहाँ मैं जस्ट ब्यूटी फाइबर आमना का लगा रही हूँ, स्नो ग्लो सीरम। और गर्मी है तो मुझे किसी ऑयल वगैरह की ज़रूरत नहीं यहाँ पर फ़िलहाल, क्योंकि गर्मी है और गर्मी है वाकई है, क्यों आज बारिश हुई है, लेकिन जब मैंने ये शूट की थी वीडियो तब बहुत ही हफ्स थी। तो चलो जी, यहाँ पर हमने पहले अपनी स्किन को अच्छी तरह से प्रेप कर लिया, उसके बाद मैं फाउंडेशन यूज़ करूँगी, जिसका मैं रिसेंटली, मैंने आप लोगों को रिव्यूज़ भी दिए थे, अनबॉक्सिंग भी की थी, वही फाउंडेशन यूज़ करूँगी। मेरी सिस्टर को काफ़ी पसंद आया, काफ़ी मतलब सॉफ्ट, स्मूथ और बड़े अच्छे तरीके से जो है ना ये ब्लेंड हो जाता है और इसकी कवरेज बिल्डेबल है। तो ये मैं अप्लाई करूँगी। इसका शेड जनाब मैंने आपको बताया था आइवरी है, और ये बहुत, मतलब बहुत नहीं, फेयर टोन है ये, काफ़ी मतलब मेरी टोन से थोड़ी सी फेयर है। तो इसमें मिक्स मैच भी कर सकते हैं, या आप ये लगाने के बाद अपना जो फेस पाउडर है वो थोड़ा सा डार्क ले लें तो आपका जो है बैलेंस हो जाएगा, आपका जो शेड है वो अब बन जाएगा जो आपकी स्किन टोन के हिसाब से। उसके बाद जनाब कंसीलर बहुत अच्छा है इनका, 02 शेड है, आइवरी ही है। तो मैंने फ्लैट ब्रश के साथ अच्छी तरह से अपने डार्क सर्कल्स भी छुपा लिए। उसके बाद जनाब हम इसको जो है सेट कर लेंगे। बिल्कुल नेचुरल मेकअप है ये, बहुत हैवी नहीं, आपको पता है उनका मेकअप तो उसने लगता है कि जैसे किया ही नहीं है, जैसे उसके पिंक पिंक से होंठ होते हैं, बाकी किया तो सारा कुछ ही होता है लेकिन नज़र नहीं आता। तो ऐसा मेकअप आज हम करने वाले हैं, इसको आप डेली रूटीन में भी कर सकते हैं इस मेकअप लुक को, मतलब किया भी है और नज़र भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर अच्छी तरह से डार्क सर्कल्स छुप के और फाउंडेशन भी अप्लाई हो गया, अब इसको हम सेट करेंगे। मैं सेट करूँगी मेबेलिन के फेस पाउडर के साथ, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है, हर वीडियो में कहती हूँ मैं, और मैं यही यूज़ करती हूँ, पता नहीं कितनी डब्बियाँ मैंने इसे ख़त्म कर चुकी हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जो है सेट दूसरी वाली जो आँख है उसके डार्क सर्कल्स जो है वो हम छुपाएँगे, और फिर जनाब इसको हम सेट कर लेंगे, देन हम आईब्रोज फिलअप करेंगे। तो मेरी आईब्रोज़ बहुत पतली सी हैं और माहिरा खान की और तरह से हैं, इस वजह से मैं अब मोटी करने की कोशिश की पर वो बड़ी अजीब लग रही थी, उसकी छोटी सी है, छोटी आईब्रोज़ है, मतलब कि लेंथ वाइज मेरी लेंथ वाइज भी लंबी थी। तो बस मैंने उस जैसी मेकअप लुक क्रिएट करने की कोशिश की है, उस जैसा लगूंगी, ऐसा थोड़ी है, वो उसकी फीचर्स अलग हैं, उनके मेरे अलग हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम इसको सेट कर लेंगे फेस पाउडर के साथ। अच्छा, मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं कि कौन कौन ये ड्रामा देख रहा है, क्योंकि जब मैंने स्टोरी लगाया था, पॉल लगाया था, तो मुझे काफ़ी गलत आंसर्स भी आए थे, जब मैंने आपसे कहा था कि गैस करें मैंने कौन सी लुक क्रिएट की है। पिक्चर मैंने स्टोरी पर लगाई थी अपनी, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ये भी बोला था, कोई बोला था आयजा खान है और कोई शाइस्ता लोदी का एक ड्रामा है, मुझे उसका नाम नहीं पता, कुछ लोग उसको भी कह रहे थे। तो जब मैंने उनकी पिक्चर देखी तो वाकई उससे भी काफ़ी ज़्यादा मैच हो रहा था, ग्लासेस वगैरह उसी तरह लगी हुई थी, ये सेम ऐसा ही था। लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं ये ड्रामा नहीं देख रहे, तो जो नहीं देख रहे वो लास्ट में देखे, काफ़ी इंटरेस्टिंग मज़े का ड्रामा है। तो बताइए कि कमेंट करके कि कौन कौन देख रहा है और कौन कौन नहीं देख रहा। जी बिल्कुल, ये महरीन का करेक्टर है और नेक्स्ट जो है वो मैं लुक क्रिएट करूँगी बहुत जल्द मशल की, काफ़ी सड़ियल सी, बस सड़ियल नहीं कहा जा सकता, मतलब कि इनके आपस में बनती नहीं है, मुझे बहुत मज़ा आता है देखने का। अच्छा जी, यहाँ पर जो है हम लोग ब्लशन लगा रहे हैं, वो भी है फोकेलर का, साथ साथ मैंने लिखा भी है फोकेलर का ब्लशन लगाऊंगी मैं, और उसी ब्रश के साथ मैं हल्का हल्का सा अपनी आईलिड पर भी लगा दूंगी, ताकि एक पिंक पिंक सी, लाइट पिंक पिंक सी जो है ना वो टचअप होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, आपको, आपने देखा कोई कंटूरिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जस्ट फाउस फाउंडेशन, फेस पाउडर, कंसीलर, ये चीज़ें बस मैंने की हैं। और यहाँ पर फोकेलर का ही आईलाइनर मैं लगाऊंगी, मतलब कि अपनी पलकों पर, ठीक है, लैशेस पर लगाऊंगी, जिस पे आपको मतलब कि एक नीटनेस आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैंने कर्ल्स नहीं देने इस पर, मतलब
अपनी लैशेज़ को इस तरह नहीं करना, इसीलिए मैंने आई मस्कारा नहीं लगाया कि वो नज़र आएगा। तो नज़र नहीं आना चाहिए, जस्ट नीटनेस आ जाएगी आपकी आई लैशेज़ पर। और मतलब वो फेस पाउडर वगैरह जो लगा है, फाउंडेशन कंसीलर जो उसका वाइट वाइट रह जाता है, तो वो क्लीन हो जाएगा, वो नीट हो जाएगी आपकी आई लैशेज़। देन मैंने यहाँ पर लगाया इजिप्टन क्रीम जो होती है वैसलीन की तरह, वो अपने लिप्स को मैंने उसके साथ मॉइस्चराइज़ किया। और उसके बाद फिंगर टिप के साथ मैंने वही वाला ब्लश हल्का हल्का सा डैप टैप करके अपनी लिप्स पर लगा दी, तो काफ़ी खूबसूरत लिपस्टिक बन गई। मतलब नेचुरल सी, नेचुरल पिंक पिंक से लिप्स लगेंगे आपके। अब हम महरीन का जो हेयर स्टाइल है वो बहुत ही सिंपल है, ट्विस्ट कर लेंगे दोनों साइड से, सेंटर से मांग निकाल देंगे, और जनाब पीछे से उसके भाई लंबे बाल हैं, मेरे लंबे बाल अब नहीं रहे, तो इस वजह से हम सिर्फ मैं पीछे कैचर लगा दूंगी और फ्रंट लुक जो है हमें मिल जाएगी महरीन जैसी। ठीक हो गया, यहाँ पर महरीन का हेयर स्टाइल था, मेरे बाल तो बहुत छोटे हैं तो बस हमने कर दिया। उसने वैसे भी कौन सी पीछे से पोनी आगे की होती है, पीछे ही होती है उसकी। तो जनाब यहाँ पर जादू हो भी गया इतनी जल्दी। अच्छा जी, यहाँ पर ग्लासेस पहन लिए, ग्लासेस जो थे शेड्स वाले थे, अंदर पता नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा था और मुझे सेम नहीं मिल सके ग्लासेस, तो जो थे मेरे पास मैंने वही लगा लिए। तो ये रही मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ महरीन की लुक आप लोगों को पसंद आई होगी। इसको आप डेली रूटीन में भी मेकअप कर सकते हैं, बहुत नेचुरल मेकअप है और मतलब नो मेकअप लुक आप इसको कह सकते हैं। चले जी, ये मेरी वीडियो थी, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो कindly मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।